नवरात्रि का सोमवार सामान्य नहीं है, यह शिव शक्ति सोमवार कहलाता है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, दुख दरिद्रता का नाश करता है और परिवार में खुशियां भरता है। आप जानते होंगे इन दिनों चल रही हैं गुप्त नवरात्रियां और साथ ही सावन का महीना आने ही वाला है। इन दिनों का खूब लाभ उठाएं। महादेव और माता रानी का यह पवित्र दिन आपके भाग्य की रेखाओं को इतना चमत्कारी प्रभाव देगा जो कि अपने आप में अद्भुत होगा। कैसे कब उन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। पहला उपाय जो बताने जा रही हूँ, यह गुरुजी ने स्पेशल बताया है, विशेष बताया है, आप कर लीजिएगा। आप जानते होंगे गुप्त नवरात्रियों के सोमवार चमत्कारी रहते, कहा जाता है तत्काल ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो प्रथम उपाय, कहीं नहीं जाना, घर पर करना है। ध्यान से सुने कैसे करना है। दूसरा वाला जो उपाय बताऊंगी, वह आप सभी महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, शिवलिंग विराजमान है तो ठीक है। और दूसरा उपाय तो इन दिनों ही कथा में बताया गया है, तो पूर्ण रूप से सुनिएगा। प्रथम उपाय गुरुजी ने कहा है, आपको लेने हैं 9 लाल फूल। ठीक है, लाल फूल माता रानी को प्रिय होते हैं, आप जानते होंगे। और आप सभी एक जल का लोटा अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, क्योंकि श्री मेरी माता रानी है, शिवाय मेरे महादेव हैं, तो दोनों का स्मरण आप कर लेते हैं ना एक साथ, तो आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। तो पूजा की थाली तैयार करें, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, गोलबत्ती का एक घी का दीपक रख लीजिए, 9 लाल फूल आज ही तोड़ लीजिए, नहीं तो सोमवार के दिन तोड़ सकते हैं। सोमवार का व्रत है, पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी यह उपाय कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। आप सभी को 9 फूल रख लेने हैं पूजा की थाली में, गोलबत्ती का घी का दीपक, एक जल का लोटा रखना है और साथ के साथ 5 सफ़ेद फूल आपको लेने हैं। ठीक है, 5 सफ़ेद फूल और 9 लाल फूल अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं। उपाय की सत्यता जांचने के लिए आप गुरुजी का वीडियो भी सुन सकते हैं। कोई मनगढ़ंत चैनल पर वीडियो नहीं दिखाया जाता है, नहीं बताया जाता, आप जानते होंगे, तो विश्वास से करेंगे तो लाभ होगा। नवरात्रि के चमत्कारी दिनों में सोमवार अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को इस उपाय को करने के लिए, जो आपका घर का मंदिर है ना, वहाँ शिवलिंग विराजमान है तो वहीं पर करना है। एक छोटा सा शिवलिंग आपके पास है तो वह शिव हो गया, शिव जी हैं, कहने का अर्थ है महादेव हैं, वह शिव हैं। दूसरा, आपको एक पिंडी स्वरूप मिट्टी का बना लेना है, या दोनों आप पिंडी स्वरूप बना सकते हैं, अर्थात लिंग स्वरूप बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप जानते होंगे वैष्णो देवी में माता रानी का पिंडी स्वरूप विराजमान है, तो आपको वही सिद्ध उपाय करना है। तो आपको 2 शिवलिंग बना लेने हैं, या घर पर पहले से शिवलिंग है तो दूसरा एक मिट्टी का आपको बना लेना है। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, सोमवार की पावन पवित्र तिथि में जीवन में रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति के लिए, खुशियों की बरकत के लिए आपका दिव्य प्रयोग करने जा रही हूँ, मेरे उपाय को सिद्ध करें। मेरी जो इच्छा है सबसे पहले तो वह बोलें। उसके बाद सबसे पहले आपने जो 2 शिवलिंग बना रखे, एक माता रानी के नाम का, एक महादेव के नाम का, उसमें सबसे पहले आप जल चढ़ाएं। बिना जल के महादेव की सेवा, कोई भी पूजा है ही नहीं और सिद्ध है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले दोनों शिवलिंग पर घर के मटके से लिया हुआ जल चढ़ाएं, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं, क्योंकि दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है और अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। तो आप सभी को विशेष तौर पर जल का लोटा समर्पित करने के बाद दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद जो 9 लाल फूल हैं, वह आपको माता रानी का जो शिवलिंग आपने स्वरूप मान रखा है, 9 लाल फूल उसमें चढ़ाने हैं, क्योंकि 9 दुर्गा स्वरूप हैं, 9 दिन माता रानी के हैं, और माता रानी का जो शिवलिंग स्वरूप आपने बना रखा है पिंडी स्वरूप, उसमें अपनी मनोकामना कहकर, रोग कष्ट संकट पीड़ा कहकर, जो भी बात है वह कहकर आप शिवलिंग पर 9 लाल फूल जो माता रानी के स्वरूप के हैं उन पर आपको चढ़ा देने हैं। दूसरा, जो 5 आपने जो सफ़ेद फूल हैं, वह जो शिवलिंग है जिसको आपने महादेव का स्वरूप मान रखा है, उस पर आपको समर्पित कर देने हैं। इस तरह से आपको 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल शिवलिंग और माता रानी के स्वरूप में समर्पित करने हैं। विधि विधान से पूजा कर लेनी है दोनों लिंग स्वरूप अर्थात पिंडी स्वरूप का। उनमें आप चंदन, रोली, मोली और अक्षति भस्म, बेलपत्र इत्यादि जो अपनी इच्छा है वह समर्पित करें। सिर्फ गुरुजी ने तो लाल फूल और सफ़ेद फूल की कहा है, चाहे तो वही चढ़ा दीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, आप पूजा कर रहे हैं तो विधान से कर लीजिएगा। फिर आपने जो गोलबत्ती का घी का दीपक लगा रखा है, उससे माता रानी का सुंदर आरती करें, आरती उतारें, और महादेव की भी जो लिंगनुमा आकृति है उसकी आरती उतार लीजिए। सारी पूजा आराधना हो जाने के बाद झोली पसार लीजिए कि आपकी जो बात है, झोली पसारते हुए कि हे माता रानी, हे महादेव, आज की दिव्य तिथि में मैंने यह दिव्य प्रयोग किया है,
जो कि श्रृंगी बाबा ने स्वयं बता रखा है, और जीवन में राम जो है संकट कष्ट पीड़ा का निदान करने के लिए है। मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को विधि विधान से पूजा कर अपनी मनोकामना कहकर थोड़ी देर पूर्ण होने के बाद उसे या तो किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना है या घर पर ही किसी गमले इत्यादि में आप विसर्जित कर दीजिए। तो चमत्कारी उपाय गुप्त नवरात्रि में ही किया जाता है और सोमवार से अच्छा दिन कोई होगा ही नहीं जब यह उपाय किया जाएगा। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय गुरुजी ने कल की ही कथा में बताया है और इससे अच्छा दिन कोई होगा नहीं जब आपको यह उपाय करना होगा। आपको उपाय करने के लिए मात्र 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। नई बेलपत्र है तो वह ले लीजिए, नहीं तो पुरानी बेलपत्र भी चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको 5 बेलपत्र की संख्या लेनी है जिसे आप सभी को रख लेना है पूजा की थाली में, ठीक है। 5 बेलपत्र, 1 जल का लोटा मात्र, ठीक है, 1 जल का लोटा रखना है और 1 जो है विशेष तौर पर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, अति उत्तम है महादेव के मंदिर में जाकर कार्य करना सोमवार के दिन। न जा पाने की स्थिति में आप कह रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कल की वीडियो में कि दीदी कीचड़ है, बारिश हो रही है, हम नहीं जा सकते हैं, तो घर पर भी करने में कोई विराजमान कोई दिक्कत नहीं है। भले ही कम फल मिलेगा परंतु मिलेगा फल जरूर से। जल का लोटा चढ़ाएं, दीप लगाएं, उसके बाद आपको जो 5 बेलपत्र है जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है ठीक उसी विधि से आपको शिवलिंग पर जो है जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर समर्पित करना है। नीचे से ऊपर की ओर आपको समर्पित करें, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, शास्त्रों में कहा जाता है। सबसे पहले 1 बेलपत्र समर्पित करें, अपनी मनोकामना बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। दूसरी इस तरह से लगातार 5 बेलपत्र समर्पित करनी है, इस तरह से समर्पित करनी है कि बेलपत्र एक के पास एक, एक के पास एक, मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है उस तरह से हो जाए। साथ के साथ अब आपने बेलपत्र 5 चढ़ा दी, फिर 3 उंगली आपको स्पर्श करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और अपनी मनोकामना बोल देनी है, रखकर 3 उंगलियां, ठीक है। अब आप सभी को विधि विधान से जो जल का लोटा है वह गुरुजी ने कहा है एक ही लेना है, परंतु दोनों हाथों से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भाग्य की रेखाएं इससे प्रबल होंगी और गुरुजी ने यह दिव्य उपाय कल की ही कथा में बताया है जो कि अपने आप में अद्भुत है। 5 बेलपत्र, 1 जल का लोटा, 3 उंगलियों का स्पर्श वाला उपाय आपको इस दिव्य सोमवार के दिन करना है, लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की जो कि बहुत सरल है, अगर इस सोमवार के दिन कर लेते हैं तो लाभ आपको प्राप्त होना ही है। इसके साथ साथ हमेशा हरिओम जल मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको करना चाहिए इस सोमवार के दिन। कहा जाता है जो भी शिवलिंग पर 1 लोटा जल अपने घर से ले जाकर 1 गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर ओम की आकृति बनाता है जिसे हरिओम जल गुरुजी कहते हैं वह बना देता है तो उसके भाग्य चमक जाते हैं। हरिओम जल कैसे चढ़ाना है सुनिए। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान से ओम की आकृति बनानी है, माता अशोक सुंदरी तक ले जानी है। जल की धार टूटने न पाए इस बात का ध्यान रखें। अब यही जलधार आपको विशेष तौर पर कार्तिकेय जी भगवान तक ले जानी है। यही जलधार धीरे 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 जो है जो माता अशोक माता रानी का हस्त कमल है उस स्थान पर ले जाना है। यही जल की धार धीरे धीरे शिवलिंग पर ले जानी है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ओम की आकृति बन जा रही है। आपको यही हरिओम जल शिव ओम जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। साथ के साथ जल चढ़ाने से पहले 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है, उसके बाद जल चढ़ाना शुरू करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से मैंने जो आपको जानकारी दी वह उपयोगी रही है, लाभकारी रही है, मैं समझाने में समर्थवान रही हूँ। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कौन सा प्रश्न आपका है, यह भी बताइएगा। कैसे वीडियो में चेंजेस करूँ यह भी मुझे बताइएगा। श्री राधे, हर हर महादेव।